आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बिहार इन्फो के इस YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू का जो एग्ज़ाम है घर बैठे असाइनमेंट के आधार पर हो रहा है। जो भी छात्र असाइनमेंट प्रश्न डाउनलोड करके उसका उत्तर लिख लिए हैं तो बता दें कि आप सभी का असाइनमेंट कॉलेज में जमा कब होगा। असाइनमेंट जमा करने के साथ साथ आपको लेकर क्या जाना है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो भी छात्र अभी तक असाइनमेंट लिखना शुरू नहीं किए हैं तो जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि कॉलेज के द्वारा जब नोटिस आता है तो आना शुरू हो जाता है, और विश्वविद्यालय आरा का जब नोटिस आता है तो सभी छात्र परेशान हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस कॉलेज का नोटिस आ गया है, आपको असाइनमेंट किस तारीख को जमा करने कॉलेज में जाना है। क्योंकि एक कॉलेज का नोटिस आया है उसमें जो लास्ट यानी अंतिम तिथि है कि आपको 3 तारीख को कॉलेज में जमा कर देना है असाइनमेंट। जो नोखा में जो कॉलेज है उस कॉलेज में आपको 3 तक है, उस कॉलेज में 3 तारीख के अंदर आपको असाइनमेंट जमा कर देना है। आपको असाइनमेंट कैसे जमा करना है ये सबसे पहले बता दें। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं वेबसाइट पर, जो आपको पता है कि बिहार इन्फो डॉट इन का वेबसाइट है, और आपको यहाँ पर आंसर पर लेकर चलते हैं। आंसर पर जो भी आप प्रश्न का उत्तर नहीं लिखें तो यहाँ पर आप प्रश्न का उत्तर दिया गया है, रीड मोर में जाकर आप अपना जो प्रश्न का उत्तर है लिख सकते हैं। और आप यदि असाइनमेंट तैयार कर लिए हैं तो असाइनमेंट तैयार करने के बाद आपको स्टिक फाइल में जो भी पेज है उसको लगा लेना है, और स्टिक फाइल के साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को उसी में अटैच कर देना है। जो भी आप मेन पेज क्रिएट किए हैं, कल एक मेन पेज का ऑफिशियली वीडियो बताएंगे कि आपको विश्वविद्यालय आरा का मेन पेज कैसे होता है, तो कमेंट में एक राय अपना दीजिएगा कि मेन पेज कैसे होता है विश्वविद्यालय आरा का ऑफिशियल का, जो सभी छात्रों को लगा कर जाना है। कंप्यूटर में आपको निकलवा लेना है ऑफिशियल जो आपको बताएंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि स्टिक फाइल में वो पेज जो भी होगा आपको डाल देना है। डाल देने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा सभी फाइल में आपको लगा लेना है। आपके पास 5 फाइल होना चाहिए, 5 स्टिक फाइल के साथ आपको जो भी होगा आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद अब आपको उसमें एडमिट कार्ड भी डाल देना, यानी कि आपको एडमिट कार्ड का भी 5 कॉपी 5 स्टिक फाइल में आपको 5ों प्रश्न का उत्तर उसमें लिख देना है। जैसे कि एक विषय में कहीं कहीं क्या है कि एक विषय में 2 प्रश्न लिखना है, तो इसके लिए 2 आपको फाइल नहीं बनाना है, एक विषय का है ना, तो एक विषय का है तो आपको एक ही स्टिक फाइल में रहने देना है, 12 पेज एक का 12 पेज, यानी आपको एक ही स्टिक फाइल में एक विषय का, यानी आपके पास 5 स्टिक फाइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो मेन ऑनर्स है उसका 1, 2, इसके बाद सब्सिडरी का 2, इसके बाद हिंदी कंपोजिशन का 1, यानी आपको 5 तैयार कर लेना है। तैयार कर लेने के बाद आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे प्रश्न है, जैसे यहाँ पे प्रश्न पर आपको लेकर चलते हैं, होम पर बिहार इन्फो आपको साथ दिया जो भी प्रश्न से लेकर उत्तर तक, तो इसका सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कीजिएगा जहाँ पर 1000ों छात्र वहाँ पर जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी तो एक स्ट्रीम होगा, साइंस होगा या कॉमर्स होगा या वोकेशनल होगा या आर्ट्स होगा, यही होगा। अब आपका मान लेते हैं कि हिंदी कंपोजिशन का है, तो हिंदी कंपोजिशन का आपको हिंदी विभाग में एक जमा होता है, हिंदी विभाग या कहीं भी कैंप लगा दिया जाता है कि आपको वहाँ पर हिंदी कंपोजिशन का जाकर जमा करना है, तो आपको वहाँ पर लाइन लगना है, और लाइन लग कर ये ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों में भीड़ होता है, तो सरकारी कॉलेज का भी नोटिस यानी मैक्सिमम माना जाए तो 5, 6, 7 तक यानी 10 के भीतर आपको कॉलेज में जाकर जमा कर देना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी कंपोजिशन का यहाँ पे जब भी आप जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी का जमा कर देंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिक्स अनर्स है यदि आपका, तो फिजिक्स अनर्स है तो आपको फिजिक्स का 2 कॉपी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी होगा, इसके बाद आपका मैथ होगा, तो ये अलग अलग आपको जमा करने जाना है अलग अलग विभागों में। अब देखिए आपका यहाँ पे नीचे है कि केमिस्ट्री अनर्स है तो केमिस्ट्री विभाग में जाना है, बोटनी है तो यहाँ पे बोटनी में, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में, इसके बाद यदि आपका भोजपुरी है जो भी यानी सब्जेक्ट है तो आपका विभाग होगा, विभाग में जाकर लाइन लगना है। लाइन लगने के बाद वहाँ पे आपका क्या होगा कि अटेंडेंस बनेगा, आप जमा किए हैं कि नहीं किए हैं। आप जैसे ही वहाँ पे कॉपी जमा करेंगे तो आपको सिग्नेचर करके ही आना है, यदि आप सिग्नेचर करके नहीं आते हैं तो ये विश्वविद्यालय मानेगा कि नहीं, आपका विषय फेल भी हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर सिग्नेचर करके ही आएगा जब आप कॉपी जमा करने जाएंगे तो। इसके बाद कई कई पैसा भी लगता है प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का कॉपी में ये अधिकांशतः प्राइवेट कॉलेजों में लगता है, और प्रैक्टिकल का कॉपी का जो पैसा होता है, जो असाइनमेंट होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का कहीं कहीं पैसा जमा हो जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि एग्जाम होता है, सरकारी कॉलेज में आपका एग्जाम होगा तो सरकारी कॉलेज में आपका पैसा नहीं लगेगा, कहीं कहीं
क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजों में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ पैसा ले लिया जाता है। तो आपका 100 से 150-200 तक पैसा भी लगेगा, तो आप पैसा भी लेकर जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल का आपको पैसा भी वहाँ पे देना पड़ सकता है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में होता है, और सरकारी कॉलेज में आपका क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है। तो पार्ट टू का एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल किसका होगा, तो ये सबसे पहले बता दें कि साइकोलॉजी का होगा, होम साइंस का होगा, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 50 देख रहे हैं, तो उस सभी सब्जेक्ट का क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल होगा। तो पेपर 3 जिनको देना है, पेपर 4 नहीं दे रहे हैं, उनका भी प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पे 50 मार्क्स है उनका भी प्रैक्टिकल होगा। तो ये था स्नातक पार्ट 2 के रिगार्डिंग असाइनमेंट जमा करने का फुल नोटिस। अब नोटिस जो भी है 10 तारीख के भीतर आ जाएगा आपको कॉलेज में जमा करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।